हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्जाम पर। और दोस्तों, यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए जो वैकेंसी अभी निकली थी, ठीक है, जो विज्ञापन निकला था वह रद्द कर दिया गया है। क्यों रद्द कर दिया गया है और जिन्होंने आवेदन कर दिया गया है उनके शुल्क का वापस क्या कैसे होना है, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखने वाले हैं। इनका जो नोटिस आया है, देखिए इसमें क्या लिखा है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज की तरफ से यहाँ पर देखते हैं कि इसमें क्या कहा गया है। देखिए, एक ही परीक्षा में तदर्थ शिक्षक एवं फ्रेश अभ्यर्थी हैं तो भिन्न भिन्न अंक देने की व्यवस्था में सुधार करने और बायोलॉजी में जीव विज्ञान, मतलब यहाँ पर देखिए जीव विज्ञान सब्जेक्ट विषय को विज्ञापन में सम्मिलित करने की आवश्यकता एवं प्रतियोगियों के हितों को ध्यान में रखते हुए सिविल अपील संख्या, जो उनका विज्ञापन संख्या, सारी चीज़ें दी गई हैं इसमें, ठीक है। तो इनको मतलब इन्होंने पूरी अपनी वैकेंसी बताई है। फिर इसमें लास्ट में लिखा है, देखिए ये विज्ञप्ति जो आपकी 2020 प्रवक्ता पीजीटी के विज्ञापन दिनांक 29/10/2020, ठीक है, ये देखिए यहाँ पर है, को एत द्वारा निरस्त किया जाता है, ठीक है। 29/10/2020 को ये जो निकला था इसे निरस्त किया जाता है। और फिर इन्होंने नीचे कहा है कि चयन बोर्ड द्वारा नए विज्ञापन की अधिसूचना अति शीघ्र जारी की जाएगी। ये तो बात होगी हमारी कि आखिर फॉर्म द्वारा से आवेदन कब किए जाएंगे, तो इन्होंने कहा है कि नए विज्ञापन की अधिसूचना अति शीघ्र जारी की जाएगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि हमारे पैसे का क्या होगा जिन्होंने आवेदन कर दिया गया है, ठीक है। तो देखिए, जिन्होंने आवेदन कर दिया है उनके लिए बताया गया है कि पहले ऑनलाइन आवेदन कर चुके अभ्यर्थियों को आवेदन करने की आवश्यकता होगी, मतलब आपको दोबारा से अप्लाई करना है। जो लोग अप्लाई कर चुके हैं उनको दोबारा से अप्लाई करने की आवश्यकता है, उनको दोबारा फॉर्म भरना पड़ेगा। इस चीज़ को आप अच्छे से यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। आवेदन कर चुके अभ्यर्थियों को यहाँ पर बताया गया है कि उन्हें दोबारा से आपको आवेदन करने की आवश्यकता होगी, ठीक। इस चीज़ को देखिए, मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, देख लीजिए। किंतु ठीक है, अब मेन बात आती है पैसे की, कि पैसे पेमेंट में वापस करना, दोबारा करना होगा नहीं करना होगा। तो आपने पढ़ लिया होगा, यहाँ पर देखिए लिखा है कि किंतु पुनः शुल्क जमा नहीं करना होगा, ठीक है। मतलब हमें दोबारा फॉर्म भरना तो पड़ेगा, लेकिन दोबारा आपको शुल्क जमा करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो ये चीज़ यहाँ पर दी गई थी, आपको क्लियर हो गया होगा कि विज्ञप्ति क्यों कैंसिल की गई है या फिर पैसा आपका वापस आएगा नहीं आएगा, ये सारी चीज़ें आपको उसमें शॉर्ट आपकी हो गई, शॉर्ट आउट हो गई ये चीज़ें, ठीक है। तो आपको पता लग गया, चलिए ये जानकारी आपको देनी थी टीजीटी पीजीटी के बारे में, ठीक है। चलिए, इसी तरह से अपनी तैयारी करते रहिए क्योंकि वैकेंसी वापस आने वाली है, विज्ञप्ति वापस आने वाली है, ठीक है। चलिए, जय हिंद, जय भारत।